वार्ड 24 मोहनपुरा से निर्दलीय प्रत्याशी हर्षित शर्मा युवा प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं। मोहनपुरा में आज निर्दलीय प्रत्याशी हर्षित शर्मा ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। तूफानी जनसंपर्क लगातार हर्षित शर्मा का जारी है। जब अपने क्षेत्र की जनता से बात की तो उन्होंने बताया, पूर्व में रहे पार्षद ने यहाँ कोई भी कार्य नहीं किया है। हमने अपने क्षेत्र का बेटा हर्षित शर्मा को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से खड़ा किया है, जो कि भारी बहुमत से विजय होकर आएगा और इस क्षेत्र का विकास की गंगा बहेगी। मेरा नाम हर्षित शर्मा। हर्षित, अभी युवा प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए निर्दलीय है जी, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? समर्थन में अकेला नहीं खड़ा हुआ, पूरा मोहनपुरा मेरे साथ है। और मैं नहीं खड़ा हुआ, पूरा मोहनपुरा खड़ा हुआ है। पूरे मोहनपुरे का चुनाव चिन्ह ताला चाबी भी है, सब यहाँ पे सब प्रत्याशी हैं, मैं अकेला प्रत्याशी नहीं हूँ, सबने मिलकर मुझे खड़ा करा है। किस तरह का समर्थन है क्षेत्रीय जनता का? पूरा क्षेत्र मेरे साथ है, पूरा वार्ड मेरे साथ है, सबके कहने पे, सबके बड़ों के आशीर्वाद के साथ मैं खड़ा हुआ। किस तरह का आपने एजेंडा तैयार किया या पार्षद पद पर जीत के आते हो? एजेंडा सबका विकास करेंगे, सबके लिए अच्छे काम करेंगे, सबका सहयोग मिलेगा, सबके साथ आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है? मेरा सुधीर चतुर्वेदी, एडवोकेट। यहाँ से बार यहाँ से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या कहना है इन लोग? कैसे प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं कह रहे, निर्विरोध निकल रहे हैं प्रत्याशी यहाँ से, क्योंकि पूर्व में जो पार्षद रहे हैं लगभग उन्होंने कितना काम यहाँ क्षेत्र में कराया? पूर्व में पार्षद ने जो भी काम कराया था उसकी एवज में देखते हुए कि काम ढंग से नहीं हुआ, इसलिए इनको मौका दिया जा रहा है कि ये काम ढंग से कराएं। इन लोगों ने भाजपा से टिकट मंगाई थी, यहाँ से टिकट उन लोगों ने किसी और को दी है, अब इन लोग ये निर्दलीय खड़े हुए, क्या लग रहा है भाजपा प्रत्याशी का किस तरह देखेंगे? बहुत ज़्यादा विरोध है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ का ना होकर बहुत ही ज़्यादा भारी क्षेत्र का था, इसलिए उनका बहुत विरोध है। बीपी सिंह, यहाँ से युवा प्रत्याशी खड़े हुए निर्दलीय, क्या कहना है? किस तरह का? अरे अब ये समेली साहब के यहाँ पर वो बाहर का कैंडिडेट भेज दिया यहाँ पर, जिसे कोई जानता भी नहीं है। पूर्व में जो पार्षद रहे हैं लगभग उन्होंने कितना काम कराया आपके क्षेत्र में? उन्होंने तो काम कराया था, उन्होंने काम कराया। कितना काम लगभग? काफ़ी काम कराया उन्होंने तो, क्योंकि वो यहीं मोहनपुर के थे और यहाँ से तीन वो थे अपने, वो क्योंकि एक को भी वो यानी कि वो नहीं दिया टिकट, बाहर का जिसे कोई जानता भी नहीं है। मेरा नाम है हरिदत्त गौतम। यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी, क्या कहना है इनके लिए और किस तरह देखते हैं आप लोगों ने? सभी मोहल्ले मोहनपुरा वाले सभी इस बच्चे को वोट देंगे, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, श्याम तेरी बंसी को बजने से काम।